पड़े हैं बेचारे, फोर्स इन्होंने लगाई है इस रूट पर, पुलिस चौक से आगे वहाँ कौन सा खतरा है? और कहीं नहीं है, खाली डाक मंगले के पास 10 बंदे, हम अभी गए उधर बस डीसी साहब के पास 10 बंदे हैं, और कहीं नहीं है। इस रोड पर इतनी पुलिस लाइन है, इतनी जितने फोर्स यहाँ है, इतना पूरा किश्तवाड़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यहाँ बंदी बने बैठे बेचारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नारायक एसएसपी पर, नारायक एसएसपी पर, नारायक एसएसपी पर। डीसी साहब के बिहाफ में भी मैं कह रहा हूँ, डीसी साहब बोल रहे हैं जी गाड़ियाँ छोड़ दी, अभी हम वहाँ से आए सामने, कुछ नहीं है, गाड़ियाँ वही रुकी हुई है, गाड़ियाँ आपकी रुकी है वहाँ, उनको तो बुलवाइए। अनिल जी, आप किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या वजह है? ये यहाँ पर आज का जो प्रोटेस्ट है, कि सुबह से हम बार बार यहाँ के प्रशासन को, बार बार यहाँ की पुलिस को, बार बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर हालात जो है वो पुरमन रखे जाने चाहिए, लेकिन हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। जबकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किश्तवाड़ जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ के 90% लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लेकिन 10% लोग जो यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हमने बार बार कहा कि आप उन 10% को रोकिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि मालीपेट से लेकर शालामार तक नाके लगाए गए सिविल लोगों की तरफ से, कुछ गुंडों की तरफ से, और उन्होंने यहाँ के यात्रियों को जो मचेल से आ रहे थे, जो जा रहे थे, उनकी गाड़ियों को चेक किया गया, और चेक करके उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए। ऐसा लग महसूस हो रहा था कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, सारा हवाले यहाँ के सिविल लोगों के हवाले किया हुआ है, कुछ लोगों के हवाले, और इस तरह का वातावरण यहाँ पर बनाया गया। और हम ये नहीं कहते हैं, ये 35A जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको मजहबी इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। मजहब के आधारों से अगर इसकी अनाउंसमेंट होगी वो गलत है, मैं उसका कंडम करता हूँ। मंदिरों और मस्जिदों से हम अगर ऐलान करेंगे सियासी इश्यूज का, फिर क्या मतलब रहता है उन स्थानों पर जो पूजा के स्थान है, जो नमाज पढ़ने के लिए लोगों को रखे गए हैं, जो पूजा करने के लिए रखे गए हैं, वो पॉलिटिकल इश्यूज के लिए नहीं है। 35A जो है, दिस इज ए टोटल पॉलिटिकल इशू, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल जो बाकी पीडीपी है, वो इस इशू को लेकर सड़कों पे आ सकती है। कोई जमहूरियत है? जमहूरियत में हर आदमी का हक है। कितने यात्री फंसे हैं? कितने यात्री बहुत से सुबह से, मुझे लगता है कि लगभग 100-150 यात्री जो है जिनको चेक किया गया, अभी भी गाड़ियां जो है शालामार में और बाकी जगहों पर नाके लगाए गए हैं, वहां पर यात्री रुके हुए हैं, मुसाफिर यहां पर, मुसाफिर जो जम्मू से आ रहे हैं, उन मुसाफिरों को भी जो शालामार से कोई बीमार है, कोई मुसीबत ज्यादा है, वहां से पैदल आ रहे हैं, क्या इंसानियत का तकाजा नहीं है कि हम उन लोगों को घरों तक पहुंचाएं? क्या ये इंसानियत कि हम उन लोगों को वहां पर रोका गया? एक एम्बुलेंस को वहां पर रोका गया, 10 मिनट उसको एम्बुलेंस को रोका गया, और वन साइडेड फैसले हम किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि भाई कुछ लोगों की बात पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, कुछ लोगों के कहने पर यहाँ पे पुलिस चलेगी, हम ये कहते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर आदमी का हक है कि मैंने कैसे लड़ना है, कैसे चलना है, इतना मुझे कहना है। तो अच्छा, आप यहाँ मचेल यात्रा के लिए आया था, कहाँ रोका गया और क्या आप बताएंगे? इसी सड़क पे 2-3 जगह रोका, उसको फिर हेलीपैड की टिकट दिखाई, नीचे गए तो नीचे वहाँ हाईवे पे पत्थर लगाए हुए हैं, वहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, वहाँ से अभी गाड़ियाँ इधर नहीं आ रही, तो फिर उनको बताया कि हमें नीचे जाने का भी बंद है तो ऊपर आए। आपका नाम क्या? रुके हुए हैं कि जाने का रास्ता क्लियर हो तो हम निकले। आपका नाम क्या? डीपी शर्मा।